पहले एक फ्यूज बॉन्ड लेंगे और इसका हमें पिछला हिस्सा जो ये है इसे काटना होगा। तो इसके लिए एक हैक्सो का ब्लेड में यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो कटर भी यूज़ कर सकते हैं। बाद देख सकते हैं ये अंदर का जो हिस्सा है इसे साफ करना होगा, इसे साफ करते हैं। अब साफ करने का ये ऊपर का थोड़ा फिनिशिंग करते हैं। अब थर्माकोल के कुछ छोटे छोटे बर्नर 5 पीस लेते हैं। उसके बाद कुछ सिलिका जिंक इसको अंदर डालते हैं। थोड़ा ग्लिसरीन जो कि आपको किसी वैरायटी स्टोर में मिल जाएगा, ज़्यादा डालना नहीं है, बस 1 से 2 स्पून डालना है। अच्छे से अब इसे मिक्स करते हैं। को पूरा भरना नहीं है, थोड़ा गैप रखना है। एक बोतल का कैप लेंगे और उसे प्लास्टिक ट्री को फेविक्विक के सहारे उसे हम जोड़ेंगे, थोड़ा सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब सूखने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसे अब बॉल के अंदर डालना है। उससे पहले हम बॉल के ऊपरी हिस्से पे थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे ताकि जो कैप है अच्छे से फिट हो जाए। देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है। अब मैं एक थर्माकोल का एक थोड़ा पीस लेंगे और नीचे के हिस्से की ओर से एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और बाहर की ओर और एक छोटा बड़ा ताकि जो बॉल है इसके अंदर अच्छे से फिट हो जाए। ये इसके बेस के लिए चाहिए। अब ये वाला ऐसा काटेंगे, थोड़ा ये थोड़ा कलर पेपर लगा के आप डिज़ाइन कर लेना। और ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं वॉइस दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, आप लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, बुरा लगता है। तो लीजिए, तैयार हो गया।